نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انا نسالك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا طيبا، اللهم انا نسالك حبك، وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبك، اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه شيئا اللهم वालफ अल्लाहनाखलास मेरा नाम सोबिया इकबाल है मैं आपकी तजवी टीचर हूँ वमा तोीकी बिल्ला माशावला कि आप सबको देख के दिल से दुआ निकल रही है कि जिस खलूस शौक जज्बे के साथ आज आप आए हैं अल्लाह सुबहाना वाली इस कोर्स तक तो क्या आप आखिरी सांस तक मरते दम तक कुरान पाक के साथ अपने आप को इसकामत के साथ जोड़े रखें आमीन मैं आपको अपने तालीमी सिलसिले के बारे में भी बताना चाहूँगी मैंने अपना तालीमी सिलसिला तलीम्ल कुरान कोर्स नूरुल कुरान बेच फाइव से मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा मैं बहुत से इदारों में तजवी टीचर भी हूँ मुबारक मदरसा लिलबनाथ नाजरा में मैं तजवीज़ टीचर हूँ वहाँ थोड़े ही महीनों पहले मैंने एक बैच मुकम्मल करवाया है तजवीद के साथ और इन रिजल्ट करीब आने वाला है इसके अलावा नए बैच का आगाज़ भी हुआ है और उसमें भी मैं तजवीज़ टीचर हूँ इसके अलावा नूरलकुरान बैच एट हाल ही में बाजी के जेर निगरानी में आया है तो नूरुल कुरान बेज ऐट में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तजवीद टीचर हूँ वहाँ भी तजवीद के काम सर अंजाम दे रही हूँ और इसके अलावा नूरुल कुरान नाजरा में भी तजवीद टीचर हूँ व मा तोफ़ी अल्लाह बिल्ला अल्ला ताला तमाम मेहनतों को कबूल फरमाएं और इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाएँ आमीन अल्लाह ताला हमें इस के साथ और ख़ुलूस नीयत के साथ जोड़े रखे और अल्लाह आप सबसे और मुझसे भी राजी हो अल्लाह सुबहान मुझे और आप सबको अपने वाले और नौशीन बाजी के लिए सद्का जारिया बनाए आमीन। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तजवीद की क्लास का आगाज करेंगे जिसमें तजवीद की फजीलत के बारे में इल्म लेंगे तजवीद के आदाब यानी आदाब तिलावत और तजवीद की क्लास में बैठने के आदाब भी पढ़ेंगे ताकि आपको इनशाला जब तक कोर्स हमारा चलता रहेगा तब तक आपको याद रहेगा इसके अलावा मैं चाहूंगी कि आप सब जो मैं आपको तजवीद की फजीलत तजवीद के आदाब यानी तिलावत आदाब और तजवीद की क्लास में बैठने के आदाब बताऊंगी तो आप वो नोट डाउन करें ताकि आपके लिए हर क्लास में आसानी के साथ आप उस क्लास को ले सकें किसी भी काम को करने के लिए मकसद का पता होना बहुत जरूरी है यानी हम किस मकसद के साथ बैठे हैं और किस मकसद के लिए हम बैठे हैं इस मकसद का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है हमारी तजवीद की क्लास का मकसद ये है कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए यानी सबसे पहले आला हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि अल्लाह सुबहान वाली हमसे खुश हो जाए और जैसा कुरान नाजिल हुआ है वैसे ही हम उसका हक अदा करते हुए उसको अच्छे तरीके से सीख सकें और कुरान पाक हमें सही से पढ़ना है जैसे कि ये नाजिल हुआ है और फिर इंशाल्लाह पढ़ना ही नहीं है जब आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो फिर सिखाना भी है तो इसीलिए मकसद आपको याद रहेगा ना कि मुझे अच्छे से सीखना है और फिर दूसरों को भी अच्छे से सिखाना है तो फिर आप जब सिखाने का ध्यान में रखेंगे तो सीखने के लिए आप आपके लिए मंजिलें आसान होती चली जाएंगी इंशाल्लाह ठीक है अब हम तजवीद की फजीलत के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले मैं आपको तजवीद की फजीलत के बारे में कुछ अहदीस बताऊंगी क्योंकि फजीलत आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि क़ुरान वो कलाम है कि जो हर नुक्स हर शक और शबे से पाक है क़ुरान ऐसी किताब है जिसका ताल्लुक अल्लाह से है क़ुरान मजीद का इलम तमाम उलूम से अफजल है क्योंकि इसका तल्लु अल्लाह से है और कुरान वो अजीम किताब है जो हर कलाम से आला हर शक और शुबे और नुख से पाक है ये तमाम इल्हामी किताबों से बढ़कर शर्फ आजमत और फजीलत वाली किताब है कुरान मजीद का इल्म सीखने और सिखाने वालों की बड़ी फजीलत है एक हदीस तो जो बहुत मशहूर है आप सब ने सुन रखी होगी हजरत उस्मान रदी अल्लाहनों से रिवायत है कि नबी करीम सल वसलम ने फरमाया में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए इसे बुखारी ने रिवायत किया है यानी ये बहुत बेहतरीन हदीस इस मौके पर बयान करना मुझे महसूस हुआ कि मैं करूं आपको इसमें आप गौर तलब बात देखेंगे कि अगर हमें बेहतरीन बनना है दुनिया में सबसे अच्छा बनना है तो हमें कुरान का इल्म सीखना है और सिखाने से पहले क्या करना है सीखना जरूरी है तो आपने कुरान को जब भी पढ़ना है तो अल्लाह ताला के लिए आपने अपनी को खालिज करते हुए सीखना है और फिर इनशाला उसको सिखाने का भी अजम लेना है इसके अलावा मैं आपको एक और हदीस बताऊंगी कुरान मजीद की तिलावत करने वाले को एक एक हर्फ पढ़ने पर दस दस नेकियां मिलती हैं ये है हमारा अल्लाह यानी एक हर्फ पढ़ा है नेकियां कितनी कमा दस और अभी आप जो हदीस सुनेंगे मुकम्मल वजाहत के साथ तो आपको पता चलेगा कि नेकी का अजर भी कितना है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रद्ह कहते हैं कि रसूल वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह ताला की किताब से एक हर्फ पढ़ा उसके लिए एक नेकी है और एक नेकी का बदला दस गुना है एक गौरतलब बात है कि एक नेकी का बदला दस गुना है अलिफ लाम मीम से मुराद एक हर्फ नहीं है बल्कि अलिफ एक हर्फ़े, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ़े। इस तरह अलिफ लाम मीम कितनी ने क्या कमा ली हमने तीस अलहमदल इसे तिरमिजी ने रिवायत किया है हमने इस हदीस को तो पढ़ा कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है बल्कि अलिफ एक हरफ लाम एक हरफ और मीम एक हरफ जब भी हम तजवीद पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ कलमों को पढ़ने में आपको मुश्किल होगी अल्लाह का शुक्र और एहसान कि जितना जितना आप उन कलमों को पढ़ने के लिए मुशक्कत के साथ जितनी दफा उस हिस्से को दोहराएंगे कितनी नकियां कमाते जाएंगे और कितना नामा आपका एक्टिव होता जाएगा सो सोचते के साथ ही इन शी आपको एक अजम आएगा कि कोई मसला नहीं ये हिस्सा पढ़ने नहीं आया वापस से ट्राई करती हूँ वापस से कोशिश करती हूँ पीछे नहीं हटना इनशाला क्योंकि नामा आपका अपग्रेड होना शुरू हो जाता है ठीक है इसके अलावा कुरान मजीद सीखने और सिखाने वाले को अल्लाह ताला तलाजिल चार नेमतों से नवाजता है यूं तो बहुत सारी नेमतों से नवाजता है लेकिन हदीस में चार नेमतों का जिक्र है हजरत अबू हुरेरा रदी अल्लाह कहते हैं कि रसूल सल्लाम ने फरमाया जब कुछ लोग अल्लाह के घर मस्जिद या मदरसे में जमा होकर कुरान मजीद की तिलावत करते हैं हम उन्हीं में से हैं आज अलमदुल्ला कि जो अल्लाह के घर मस्जिद या मदरसे में जमा होकर किसके लिए आएं अल्लाह के लिए आएं हमें तजवीज़ के साथ और तफसीर के साथ कुरान पढ़ने आ जाए तो ये आपके लिए हदीस इसलिए कि जो भी कुरान मजीद की तिलावत जमा होकर पढ़ता है और फिर आगे मजीद और आपस में एक दूसरे से पढ़ते पढ़ाते हैं यानी आप मुझसे पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उन पर चार नेमतें अल्लाह ताला नाजिल फरमाएगा सबसे पहले उन पर सकीनत नाजिल होगी अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेगी उनके पास फरिश्ते उन्हें घेर लेंगे अब तस्वर करें कि अभी आपको फरिश्तों ने घेरा हुआ है आपके अंदर एक रूहानियत खुद ही महसूस होगी कि अलहमदिल्ला फरिश्तों ने हमें परों में घेरा हुआ है और जो अल्लाह सुबहाना व त हैं उनके पास जो फरिश्ते हैं अल्लाह सुबहाना व त्र खर कर रहे हैं यानी अभी हम पढ़ेंगे इन तो अल्लाह ताला किसके पास जिक्र करेंगे फरिश्तों के पास इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है कौन से चार नमतें बताई गई सकीनत नाजिल होती है अल्लाह की रहमत ढांप लेती है फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह सुबहान फरिश्तों के सामने उनका जिक्र खैर करते हैं जो बेहतरीन नमतों में से आला नमत है अब हम इनशा तला आदाब तिलावत पढ़ेंगे तजवीद के आदाब ये आपको लिखना जरूरी है मैं आपको बताऊंगी इनशाला तो आपने बिल्कुल तहमुल के साथ जो छूट जाए कोई मसला नहीं है आप पूछ सकते हैं अभी आपके पास चूंकि बुक नहीं है इस वजह से मैं आपको थोड़ा आराम से बताऊंगी जब बुक आ जाएगी तो इनशाला आपके सामने वो पूरा लिखा हुआ होगा ठीक है आदाब तिलावत सबसे पहला नीयत अल्लाह के लिए हो यानी अगर आज हम आए हैं तो कोर्स के मकसद से नहीं आए ये हमें सोचना है कि हम अल्लाह के लिए आए हैं और अल्लाह सुबहाना व त के लिए खालसता हम कुरान पढ़ने आए हैं ताकि हमें कुरान तजवीज और तफसीर के साथ पढ़ना आ जाए नंबर दो मिसवाक करके बाजू होकर बैठना मुस्तब यानि पसंदीदा है अगर आप मिसवाक करके क्लास में आएंगे तो इनशा आपके लिए मखारिज का पढ़ना आसान होगा कुरान आप खूबसूरत अंदाज में पढ़ सकेंगे और बावजू होकर बैठना मुस्तब यानी पसंदीदा है अगर मुमकिन हो तो खुशबू लगा कर पढ़ना अगर मुमकिन हो तो ठीक है वरना अगर हम आने से पहले अपने आप को नीट एंड क्लीन करेंगे तो इनशाला अल्लाह पाक हमारे पास से खुद ब खुद अतरी हम रहेंगे इन नंबर चार साफ हाथों से पाक को पकड़ना नंबर चार साफ हाथों से कुरान पाक को पकड़ना। नंबर पकड़नाबत में यानी कुरान को शुरू करने से पहले कुरान की आयत को शुरू करने से पहले तावुल और तस्मिया पढ़ना जो कि बहुत अहम है जब भी आप कुरान की आयत को पढ़ेंगे तो तहवुज और तस्मिया कभी भी नहीं भूलेंगे ठीक है इसके अलावा नंबर छः पढ़ते हुए निगाह कुरान पाक पर हो चाहे आपको वो हिस्सा हिफी क्यों ना हो लेकिन आपको पढ़ते हुए निगाह कहाँ रखनी है पुराने पाक पर फिर गैर जरूरी बात तिलावत के दौरान नहीं करनी है अगर मजबूरी हो तो कुरान पाक को बंद करके बात कर सकते हैं लेकिन मजबूरी की सूरत में गैर जरूरी बात तिलावत के दौरान करना नहीं है इसके अलावा दोबारा शुरू करने पर तवज पढ़ना जैसे हम कुरान अपना पढ़ना शुरू किया हमने और हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर रोक के किसी भी काम से उठें या फिर हम चाहें कि हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कुरान पाक को तो जब भी हम शुरू करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे दोबारा से तवज पढ़ेंगे ठीक है इसके अलावा तिलावत ठहर ठहर कर पढ़ना यानी कुरान पाक की तिलावत किस तरह करेंगे ठहर ठहर कर साफ साफ खुले अल्फाज आपने साफ साफ और वाज तौर पर पढ़ना है हर हर्फ को साफ साफ पढ़ना है ठीक है यानी खुला पढ़ना है ताकि मुकम्मल आवाज आपकी आए मुझ तक अगर रियाकारी या दिखावे का एहतमाल खयाल या शक ना हो तो बुलंद आवाज से पढ़ना वरना आहिस्तगी से पढ़ना यानी पढ़ते हुए अगर हमें ये ख्याल आ रहा है कि मेरे अंदर रियाकारी आ रही है तो तो आप किस तरह पढ़ेंगे हल्की आवाज से भी पढ़ सकते हैं लेकिन तजवीद की क्लास में तो आपको बावाज बुलंद पढ़ना है ठीक है इसके अलावा आयात अजाब के वक्त रोना ये आदाब तिलावत हमारे चल रही है ठीक है आयात अजाब के वक्त रोना यानी कुरान की कुछ आयात ऐसी होती हैं जिसमें अल्लाह व वाली अपने अजाब का जिक्र फरमा रहे होते हैं तो उस वक़्त हमारे आंखों से आंसू बहने चाहिए और हम उस पर अल्लाह सुबहान तला से अपने आप को बचने के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह व तआला मुझे इन लोगों में शामिल मत फरमा इसके अलावा आयात रहमत के वक्त दुआ करना यानि कुरान के किसी भी हिस्से पर अल्लाह ताला अपनी जन्नत का जिक्र करेंगे तो फौरन मांगना है अल्लाह से कि अल्लाह व तआला मुझे इन लोगों में शामिल फरमा इसके अलावा कुरान पाक की अजमत का ख्याल हमेशा दिल में मुकदम रखना इसके अलावा दिल को हर किस्म के वसवसों से पाक रखना यानी दौरान तजवीज भी आपको वसवस से आ सकते हैं घरेलू टेंशन आ सकती है कुछ भी आपके टेंशन आ सकती हैं लेकिन आपको उसको फौरन झटकना है और वापस से अपने आप को एक उम्मीद के साथ कि नहीं मुझे मैं कुरान पढ़ रही हूँ मुझे हर किस्म के वसवसों से खुद को पाक रखना है यहां तक तो थी आपकी आदाब तिलावत अब हम इन तजवीद की क्लास में बैठने के आदाब पढ़ेंगे यानी आप तजवीज की क्लास में भी बैठे हुए हैं तो उसके में आदाब बता रही हूं नंबर एक जानो होकर बा अदब अंदाज में बैठना है अगर आप किसी भी पोजीशन में हैं तो अगर आपने ये स्टेटमेंट सुन लिया जानो होकर अदब अंदाज में बैठना है तो आप बैठ जाए ठीक है इसके अलावा अपना तजवीज का कुरान आपके पास मौजूद हो इसकी वजह है देखें अगर एक क्लास में आप एक कुरान लाएंगे फिर दूसरी क्लास में कुरान पाक भूल जाएंगे फिर तीसरी क्लास में दोबारा वही कुरान लाएंगे तो पॉजिज तो मेंटेन ही नहीं होंगे ठीक है यानी मैं आपको रुकने का तरीका भी बताऊंगी कि यहाँ रोकना है फिर पीछे से पढ़ना है इसलिए एक कुरान का होना आपके पास बहुत जरूरी है ठीक है तो आपने अपने साथ जिस कुरान को आज से आप रखेंगे अपने साथ वो हर क्लास में लेके आना है ठीक है इनशाला पेंसिल हाथ में होना लाजमी है पढ़ते हुए हर हर्फ पर पेंसिल फेरेंगे यानी पेंसिल आपके हाथ में होना जरूरी है कुरान एक तो रोज आपके पास होना जरूरी है जब जब क्लास होगी और पेंसिल भी आपके हाथ में होना जरूरी है जैसे ही सबक पढ़ लेंगे पेंसिल को अपने कुरान में रखेंगे अमूमन ऐसा होता है कि हम पेंसिल को अपने पाउच में डालते हैं फिर वो भूल जाते हैं घूम जाती है फिर दोबारा कुरान खोलते हैं तो पेंसिल होती ही नहीं है इसीलिए पेंसिल को अपने कुरान में आपने रखना है ठीक है और किस लिए पेंसिल का इस्तेमाल होगा कि हर हर्फ पर हम फेरेंगे पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे और फिर पढ़ेंगे यानी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपने बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनना है और फिर उस आयत के हिस्से को पढ़ना है बुलंद और खूबसूरत आवाज के साथ पढ़ना है यानी बुलंद आवाज से पढ़ना है और खूबसूरत आवाज से पढ़ना है पढ़ते हुए शर्म भी महसूस नहीं करनी मेरी आवाज चली जाएगी तो मिस्टेक आ जाएंगी नहीं आप अगर गलती करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ ये मिस्टेक है आप इसको सही कर लीजिए ठीक है तो पढ़ना आपको कैसे है बुलंद आवाज और खूबसूरत आवाज के साथ कुरान पाक को इत्मीनान के साथ और ठहर ठहर कर पढ़ना है ये मैंने पीछे भी आपको बताया लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बार बार याद दहानी दिलाती रहूंगी ताकि हमें हमेशा मुस्तकिल याद रहे कि कुरान पाक को किस तरह पढ़ते हैं इत्मीनान और ठहर ठहर कर हरूफ को वाजह करके पढ़ना है पीछे भी हमने पढ़ा कि खुला और साफ साफ करके पढ़ना है ठीक है इसके अलावा मत की और गुन्ना की मकदार को पूरी तरह अदा करना है अब चूंकि आपको मालूम नहीं है कि मत की मिकदार कितनी है यानी मत को कितना हम खींचेंगे गुन्ना को हम कितना खींचेंगे इस सूरत में आपको पेंसिल बहुत मददगार साबित होगी जितनी काउंटिंग में गुन्ना करूंगी आपको उसको लिख लेना है यानी अगर आप जहां ड्रॉप भी कर देंगे ना मैं आपको उसको निशान लगवा दूंगी कि इसको इतना खींचना है आप निशान लगा लीजिए ठीक है इसके अलावा वकूफ का भी ख्याल रखना है वकूफ का मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि जब मैं आपको आयत शुरू करवाऊंगी ठीक है और किसी हिस्से पे मैं रुकवाऊंगी आयत का शुरू हुआ और आयत के एक हिस्से पर मैं रोकूंगी वहां आपने निशान लगाना है यानी रोकना वक्फ ही कहलाता है आप रोकेंगे सांस लेंगे जहां मैं रोकूंगी वहां आपने निशान लगाना है और फिर जब मैं पीछे से पढ़ाऊंगी यानी अदा करूंगी पीछे से मिला के पढ़ाऊंगी तब आपने निशान लगाना है इसको पॉजिज आप कहेंगे मैं आपको कहूंगी कि यहाँ मैंने रोका है और पीछे से मिला के पढ़ा है तो आपके हाथ में पेंसिल होगी तो आप लिख सकेंगे आप इन सब चीजों को नोट डाउन तभी कर सकेंगे दौरान तजवीज जब आपके पास पेंसिल होगी इसके अलावा जो भी होमवर्क आपको मिलेगा आपने अपने पास उसको उसी वक्त लिखना है उसी जगह लिखना है जहां आपकी तजवीज मुकम्मल हुई आपने वही तजवीज की क्लास के फॉरन एंड पे जैसे ही दुआ होगी आपने फौरन वहां लिखना है कि मुझे ये होमवर्क इस क्लास से रिलेटेड मिला है तजवीद की क्लास ही क्या तफसीर की क्लास भी हो आपको होमवर्क मिले आपको उसी जगह लिखना है ताकि आप जब पारा खोलेंगे कुरान खोलेंगे तो आपको याद रहेगा इसके अलावा हर लेसन को सात दफा पढ़ना आप पर अमानत है आपको सात दफा पढ़ना जरूरी है पढ़ेंगे ना इनशाला जब भी आपको लेसन मिलेगा तो आपने उसको सात दफा पढ़ना जरूरी है ताकि आपकी तजवीज बेहतरीन हो जाए हमारा मकसद क्या है कि हम ऐसा कुरान पढ़ना सीख जाएं जैसे अल्लाह सुबहान वाली ने जब्राईल अमीन के जरिए रसूल सल्ला वसम के कल्बे अथर पर उतारा है बस वही मकसद याद रखेंगे और इन भी इस कोर्स में हमें मुश्किल आएगी हम अल्लाह दुआ मांगते हुए अपने लिए अस्तफार करते हुए पढ़ते जाएंगे इन तो हमारे लिए आसानियां होती जाएंगी इसके अलावा अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो आप पूछ सकते हैं तजवीज की क्लास में बैठने के आदा के हवाले से ठीक है अब हम इन कुरान पाक खोलेंगे कुरान पाक सबके पास है फातिहा आप निकालेंगे सबको याद है ना पेंसिल हाथ में होना लाजमी है पढ़ते हुए हर हर्फ पर पेंसिल को फेरना भी है बुलंद आवाज से पढ़ना है ताकि आपकी आवाज मुझ तक आए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين <تصفح> रौब आलमीन आप आइन को निशान लगाएंगे अमूमन ऐसा होता है कि इसको आलमीन की आवाज आ जाती है आलमीन पढ़ने के लिए आपने आइन के लिए मुंह खोलेंगे ना तो आप आलमीन की आवाज नहीं आएगी फिर आलमीन आप इस तरह पढ़ेंगे अलहमद रौबिल आलमीन الرحيم الرحمن الرحيم. Er الرحمن الرحيم. مالك er يوم الدين مالك يوم, الدين. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا إيه الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إهدنا الصراط, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم, أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال

मत की मकदार आप दौद पर छे लिखेंगे और आपने छ हरकत यानी छे फिंगर खोलते हुए जाना है आखिरी हिस्सा आप मुझे दोबारा पढ़ के सुनाएंगे गैरिल मगदूबी ठीक है अब आप सुर अखलास निकालेंगे तीसवा पारा तो तीसवे पारे में इंशाल्लाह मिलेगी इखलास सबने निकाल ली सबने निकाल ली ठीक बिस्मिल्ला रौशानी रोशी بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله سورة فاتحة هم همنا سورة إخلاص بي بارليه मैं आपको पढ़ते हुए देख रही थी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह महारत के साथ पढ़ रहे थे जिनके लिए पढ़ना बहुत आसान था लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है मुशक्क़त के साथ पढ़ रहे थे सो मैं हदीस आपको बताना चाह रही थी ताकि जो अटक अटक कर मुशक्क़त के साथ पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या जर है और जो महारत के साथ पढ़ रहे हैं अलहद उनके लिए क्या जर है हज़रत आयशा रदी अल्लाह तहा कहती हैं कि रसूल सल अल्ला व्ल्म ने फरमाया कुरान मजीद की तिलावत में महारत रखने वाला शख्स लिखने वाले इज्जतदार फरिश्तों के साथ है पुरान मजीद की तिलावत में महारत रखने वाला शख्स लिखने वाले इज्जतदार फरिश्तों के साथ है जबकि जो शख्स तिलावत करने में अटकता है यानी वो शख्स जो तिलावत करने में अटकता है और तिलावत करने में दिक्कत महसूस करता है उसके लिए दो अजर है यानि उसको दो अजर मिलने एक उसकी मुशक्क़त के साथ पढ़ने का और जो वो मेहनत कर रहा है उस पर उसको कितने अजर मिल रहे हैं दो अजर मिल रहे हैं जब भी आपको क्लास में कुछ कल में मुश्किल लगे हैं, या आपको क्लास में पढ़ना मुश्किल लगे तो आपको इस हदीस को याद करना है और इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है ठीक है आपको ये हमेशा याद रखना है कि मैं अगर मुशक्क़त के साथ पढ़ रही हूँ दिक्कत के साथ पढ़ रही हूँ मेरे लिए कितने अजर हैं दो और जो कुरान को महारत के साथ पढ़ रहे हैं उनका भी अल्लाह सुबह ने क्या बताया कि इज़्ज़तदार फरिश्तों के साथ उनका नाम लिखा जाएगा अब आपको सुर फातिहा कितनी दफ़ा पढ़ के आनी है सात दफ़ा क्योंकि मैंने आपको होमवर्क बताया था कि आपको जो भी होमवर्क मिलेगा आपको वो अपने पास नोट डाउन करना ज़रूरी है कि मुझे मेरी टीचर ने ये होमवर्क दिया है तो आप अपने पास अपने कुरान के जहां भी आप तजवीद का इख़्तिताम होगा आपके सबक का आपने वहाँ पर लिखना है कि मुझे इतना होमवर्क बाजी ने दिया है इसके अलावा तजवीद की रिकॉर्डिंग आएगी तो आपको वो सुनना भी लाजमी है ताकि आपके लिए पढ़ना मज़ीद आसान हो जाए अल्लाह सुबहाना व ताली की रजा मिलेगी इनशाला और अल्लाह सुबहाना व त हमें इसका बेहतरीन अजर देंगे और अल्लाह सुबहाना ताल हमसे राज़ी हैं ये बेहतरीन अजर और हमें बेहतरीन कुरान पढ़ने वालों में अल्लाह तला शामिल कर देंगे इनशाला और हमारे दर्जात भी बुलंद होंगे और किसी को कुछ पूछना है तजवीद की क्लास में बैठने के आदाब अगर मिस हो गए हैं जो आम आदमी को मिल रहा है ना यानी जो कुरान पाक महारत से पढ़ रहा है तो उसको तो एक अज़र मिल रहा है और जो कुरान पाक मुशक्क़त के साथ पढ़ रहा है तो उसके लिए दो अज़र हो गए जी एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक है उसके लिए दो अजर हो गए इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं मुझसे जो भी समझ नहीं आया मुझे पता होगा तो मैं आपको बताऊंगी और नहीं पता होगा तो मैं पूछ के बताऊंगी चल यहीं तक हमारी क्लास दुआ कर लेते हैं वो आखिर وسلام सुबह المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارزقنا اخلاص الهي امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته